सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी, भाई के लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के पवित्र प्यार की दुआ है राखी, रंग बिरंगे मौसम में सावन की घटा छाई, खुशियों के सौगात लेकर बहन राखी बांधने आई, बहन के हाथों में सजी आज राखी की कलाई, बहन के हाथों से सजी आज भाई की कलाई, हर भाई बहन को रक्षा बंधन की बधाई। लड़ना झगड़ना और मना लेना यही है भाई बहन का प्यार, इसी प्यार को बढ़ाने आता है रक्षा बंधन का त्योहार। आज का पंचांग 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि रात्रि 11:55 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र सुबह 8:10 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:44 से आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:44 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर शाम 6:59 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को सावन की 5वें सोमवार की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान शिव जी की कृपा बनी रहे और रक्षा बंधन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षा बंधन शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षा बंधन का त्योहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल सावन की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त की सुबह 3:05 से शुरू होगी और तिथि का समापन रात 11:55 पर होगा। भद्रा काल 18 अगस्त की रात 2:21 पर लग जाएगी। साथ ही भद्रा का समापन 19 अगस्त दोपहर 1:30 पर होगा। रक्षा बंधन पर राखी बांधने का पहला शुभ मुहूर्त दोपहर 1:46 से शाम 4:19 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त शाम 6:56 से रात 9:07 तक प्रदोष काल में रहेगा। मेष राशि 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार। इस बात के लिए अधिक सोच विचार ना करें कि अप्रत्याशित घटनाएं क्यों हो रही है। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ नया प्रयोग आप कर सकती हैं। इससे आपको अपने रोजमर्रा के नियमित कार्यक्रम से भी थोड़ी राहत मिल सकती है जिससे आपको अच्छा लगेगा। आपकी सकारात्मक और संतुलित सोच से परेशानियों का हल निकलेगा। अगर कोई लीगल गतिविधि चल रही है तो आपके पक्ष में समाधान मिलने की उम्मीदें हैं। आपको प्रतिस्पर्धी से अधिक अपने काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी न किसी व्यक्ति के साथ आपकी तुलना हो सकती है। फिलहाल आप खुद को सकारात्मक बनाए रखें। कठिन समय में प्राप्त हुए अनुभव का सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप समस्या का हल ढूंढ पाएंगे। लक्ष्य तय करते समय केवल निजी भविष्य से संबंधित बातों के बारे में भी विचार करें। आकर्षित पक्ष को मजबूत बनाने के लिए काम में बदलाव करें। पार्टनर और आपकी एक दूसरे के लिए नाराजगी भी बढ़ सकती है। आपको ख्याल रखना होगा। इस राशि के जातकों के लिए दिन परोपकारों के कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा और अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में भी लगाएंगे। प्रेम और सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। नौकरी में कार्यरत लोगों के अधिकारों में वृद्धि होगी। आप किसी काम को लेकर भाई व बहन से सलाह कर सकते हैं। आपका कुछ धन यदि डूबा हुआ है तो उसके लिए आपको मिलने की पूरी संभावना है। आपको अपने पिताजी की ओर से कोई उपहार भी मिल सकता है। सावधानियां। सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान न देने से आपके मान सम्मान पर इसका असर पड़ सकता है। इस वजह से आपकी नींद और मानसिक शांति प्रभावित होगी। गुस्से से बची। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में शांतिपूर्ण व्यवस्था रहेगी। मंगेतर से किसी छोटी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। आप तुच्छ मुद्दों को व्यवस्थित करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं या पाए हैं और बढ़ते बढ़ते अब उनका ढेर लग गया है। आज आप अपने आप को उलझा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मामले अब जटिल हो गए हैं और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां से शुरुआत की जाए। आप अपने सामने बैठकर वार्तालाप करें
दिन के अंत तक आप अपनी साथी के साथ बैठकर सहज महसूस करेंगी। बात करते हैं करियर की। आज जहां तक पैसे की बात है तो आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। अगर अतीत में आपने किसी को धन उधार दिया है तो आपको अपने पैसे वापस मिल सकती हैं। आपकी किस्मत चीट फंड या जुए की किसी अन्य रूप में आपको वित्तीय लाभ पहुंचा सकती है। छात्रों का करियर सही दिशा में आगे बढ़ेगा या किसी भी परीक्षा में अगर वे बैठेंगे तो उन्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। कारोबारी गतिविधियां बेहतर बनाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें और प्रयत्नशील रहें। आर्थिक मामलों पर किसी पर भी अधिक भरोसा न करें और न ही किसी प्रकार का समझौता करें। बात करते हैं सेहत की। मौसम के बदलाव की वजह से खांसी जुकाम और बुखार रह सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। आप आज ऊर्जा से भरे हैं जो आपके काम में भी साफ दिखाई देगी। आप सामान्य रूप से अच्छी सेहत का आनंद उठा रहे हैं। आप स्वास्थ्य संबंधित किसी ऐसे काम की योजना बना सकती हैं जिसे आप पिछले कुछ समय से करना चाह रहे थे। आपको इसके लिए धूप में निकलना पड़ सकता है, इसीलिए अपने साथ एक छाता रखे, नहीं तो आपको शाम तक सिर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। आज का उपाय। आज अब शिवलिंग पर 21 बेलपत्र सफेद चंदन लगाकर अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।